फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सपोनेंट्स का वर्ड सम। तो आप देख सकते हैं मैंने यह लिख लिया क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड 1/2 होल टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज -5/4 होल टू द पावर -1। तो इसके साथ हम कौन सा नंबर इंटू करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट आ जाए ये। तो हमारे पास नंबर नहीं है तो हम ले लेंगे लेट द नंबर बी एक्स। तो हम इसके साथ x इंटू कर देंगे, जैसे x इंटू 1/2 होल टू द पावर -1 इक्वल टू -5/4 होल टू द पावर -1। तो अब हम करेंगे x इंटू, ये माइनस हटाने के लिए हम कर देंगे 2/1 उल्टा कर देंगे, और ये -5/4 हम कर देंगे -4/5 ताकि ये जो माइनस है ये हट जाए। और वन या पाल लिखने से भी जितना वैल्यू होता है सेम होता है, इसलिए हमने वन नहीं लिख किया। तो हम इसे कर देंगे 2x/1 इक्वल टू -4/5। तो अब हम देख सकते हैं x का वैल्यू, तो हम यह लिख लेंगे x इक्वल टू -4/5, और ये जो 2/1 है ये इस तरफ आ जाएगा, हो जाएगा इंटू 1/2, क्योंकि इस नंबर 2/1 इक्वल टू के इस तरफ आने से ये उल्टा हो जाता है। 2 1 2 2 2 4, तो x का वैल्यू होगा -2/5। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 2/5। तो इस तरह का सम बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। तो आप देख सकते हैं मैंने यह समझा दिया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं कमेंट, तो मैं आपको दूसरा कर देती हूँ जो है थोड़ा इससे डिफरेंट। तो आप देख सकते हैं मैंने यह दूसरा लिख लिया पहले वाले से डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड -3/2 होल टू द पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज 9/4 होल टू द पावर -2। तो इसके साथ हम कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे जैसे क्वेश्चन टाइम 9/4 होल टू द पावर -2। तो हमें नंबर पता नहीं तो हम लिख लेंगे पहले लेट द नंबर बी एक्स। तो हमने जैसे नंबर एक्स ले लिया तो हम इसके साथ ये नंबर डिवाइड कर देंगे। तो हम ये लिख लेंगे -3/2 होल टू द पावर -3/x इक्वल टू 9/4 होल टू द पावर -2। अब हम कर लेंगे इसे उल्टा, क्योंकि यह -3 है, ये हम लोग को +3 करना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ -2/3 होल टू द पावर 3। तो हमें इसे उल्टा कर लिया, इसलिए ये माइनस जो है ये हट जाएगा, और ये हम लिख लेंगे इंटू 1/x इक्वल टू 9/4 होल टू द पावर -2। तो अब हम यह लिख लेंगे -2/3 होल टू द पावर 3 इक्वल टू, हम पहले इसे उल्टा कर लेंगे 4/9, ताकि इसका जो माइनस है ये हट जाए, हो गया होल टू द पावर 2, और ये जो इंटू ए ये इस तरफ जाने से 1/x जो है ये हो जाएगा इंटू एक्स। जब साइड चेंज होता है तो 1/x हो जाएगा एक्स। तो अब हम करेंगे -2/3 होल टू द पावर 3, और ये जो है ये आ जाएगा इस तरफ, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकलना है। तो ये हो जाएगा इंटू 9/4 होल टू द पावर 2 इक्वल टू एक्स। तो हम इसे ब्रेक कर लेंगे, जैसे 2³ होता है, 2 2 4 4 2 8, तो ये होगा -8, और 3³ होता है, 3 3 9 9 3 27, इंटू 9² होता है 9 9 81, और 4² होता है 4 4 16 इक्वल टू एक्स। अब हम देखेंगे कैंसिलेशन जाता है, तो हम देखेंगे कैंसिलेशन जाता है, 8 1 8 8 2 16, और 3 9 27, और 3 27 81। तो हम देखते हैं फिर से जाएंगे
9 9 9 9 3 27। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे, तो अब हम देख सकते हैं यह 3 और 2 रहेगा और यह माइनस रहेगा, तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू -3/2। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज -3/2। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सॉल्व कर लिया यह दो सम, मैं और भी सॉल्व करूँगी आपके लिए। तो ये था मेरा दो सम, इस तरह का सम बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और देख सीखिए ढेर सारा मैथ्स मेरे साथ। शेयर कीजिए चैनल अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नया वीडियो आते ही। थैंक यू।